ठीक है, अगले प्रेम में मिलते हैं, अब हम चलते हैं शिरोडा बीच। ब्यूटीफुल बीच शिरोडा, मतलब उस होटल से हम कुछ 4-5 किलोमीटर का ट्रैवल करके हम शिरोडा बीच पर आए हैं। ये बीच सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आता है और ये यहाँ का फेमस बीच कह सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर भी यहाँ थोड़े बहुत टूरिस्ट और मतलब थोड़ी बहुत भीड़ है, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत ही है। लास्ट टाइम में जब आया था तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, टूरिस्ट भी यहाँ पे आते हैं। मैं कैमरा उस तरफ नहीं पकड़ सकता क्योंकि लाइट यहाँ से आ रही है, तो फिर कुछ मतलब मेरा फेस आपको दिखेगा नहीं। आपको भी पता है कि कोकोन एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे बारिश शुरू हो गई तो 4-5 दिन रुकने का नाम ले रही थी। हमने लास्ट 15 डेज में ही सोचा था कि हम गोवा की ट्रिप करें यहाँ पे घूमे आके, बट बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए हमने 15 दिन बाद प्लानिंग की। अब यहाँ पे बारिश मतलब ख़त्म हो गई है, जैसे हमारे यहाँ ख़त्म हो गई है। तो ठीक है, आप इस व्यू को इन्जॉय कीजिए। यहाँ पे तैरना का बहुत मजा ले रहे लोग और मुझे देखकर काफी चिल्ला भी रहे हैं। तो ठीक है, एंजॉय कीजिए इस व्यू को। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा यार, बीच पर घूमना किससे अच्छा नहीं लगता। घूमना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है, मतलब यहाँ के वाइब्स काफी अच्छे हैं, वाइब्स काफी अच्छी है। आप देख सकते हैं कि वेव्स काफी अच्छी आ रही है और मैं पानी में आ गया हूँ थोड़ा सा मजे लेने के लिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि इस जगह को छोड़ने का टाइम आ गया है, अब हमें अगली जगह जाना पड़ेगा। बट ये बीच भी मेरे विश लिस्ट में एड हो गया, फेवरेट बीच, मतलब ये बीच काफी अच्छा है। अगर आप भी कोकण में आने की सोच रहे हैं तो आप भी ये शिरोडा बीच कंसिडर जरूर कर सकते हो। तो हे गाइस, शिरोडा बीच से हम निकल कर घर ही जा रहे थे, तभी बीच में बोर्ड दिखा कि यशवंत फोर्ट, और मन में क्यूरियोसिटी हो गई कि चलिए यार यशवंत फोर्ट क्या है देख लेते हैं। बट यहाँ पे आया तो मतलब ये काफी चीज ज्यादा अच्छी है, हम कह सकते हैं ज्यादा लोग यहाँ पर नहीं आते, मतलब डरावनी चीज है, शाम को मतलब काफी डरावनी जगह लगती है। हाँ, सच में डरावनी लगती है, आप देख सकते हैं बहुत पुराने टाइम से यहाँ पे कोई आया नहीं है, बहुत कम टूरिस्ट यहाँ पर आते होंगे, मतलब कोई डरावनी मूवी की शूटिंग करनी हो तो आप यहाँ पे आ सकते हो। बहुत मतलब कोई भी नहीं है यहाँ पे, हम सिर्फ 3 लोग हैं, 3 लोग घूम रहे हैं और हमारे अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं है। बड़े जगह देखने लायक है। हमारे एरिया में जो फोर्ट है उनकी मतलब हालात कुछ अच्छी नहीं है, बट यहाँ पे उन्होंने
स्टार्टिंग में बहुत अच्छा वर्क किया है, पूरा रिनोवेशन का काम किया है, और मैंने सोचा नहीं था कि ये फोर्ट इतना बड़ा हो सकता है। यार ये चीज सच में बड़ी है, टूरिस्ट ना के बराबर है। सिर्फ 100-200 मीटर पर ही यहाँ पर सी है, समुद्र है, बट ये जगह मतलब सच में डरावनी है, कहीं यहाँ पे खो ना जाऊं मैं। यहाँ पे मैं रिकॉर्ड भी नहीं करने वाला था शुरू में, मुझे लगा कि मतलब यहाँ पे कोई चीज होगी ही नहीं दिखाने के लिए, बट ये चीज सच में। और ये दिखे पीछे पीछे बहुत बड़े बड़े पेड़ है, और सच में अजीब है। और इतने पेड़ होने के बावजूद ये दीवारें अभी तक खड़ी है, मतलब और बारिश की वजह धूप निकली हुई है और यहाँ पे अंधेरे जैसी फीलिंग आ रही है। जगह बहुत ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते। पूरी जगह एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 घंटे तो जरूर लगेंगे। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि यहाँ पे अंदर ऐसा कुछ लगता ही नहीं, बट 50 मीटर चल आने के बाद यहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें देखने के लिए मिलेगी जहाँ जिसको आपने इससे पहले नहीं देखा होगा, 100% नहीं देखा होगा। देखो डरावनी है, डरावनी। ओके, तो ये थी पूरी बात इस यशवंत फोर्ट के बारे में। मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा, आप भी आ सकते हैं। ठीक है, यहीं पे खत्म करते हैं हमारी स्टोरी, मिलते हैं अगले व्लॉग में।